संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी है प्रधानमंत्री इस मुकदमे में, उनके साथ उनके रिश्ते खुलेआम दिख रहे हैं। गणपति उत्सव है, लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं। प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर में गए मेरे पास जानकारी नहीं है। दिल्ली में बहुत जगह पे गणेशोत्सव है, हमारे महाराष्ट्र सदन में है, महाराष्ट्र मंडल का है, होता है ना। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारे जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, नॉट बिफोर मी करना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी है प्रधानमंत्री इस मुकदमे में, उनके साथ उनके रिश्ते खुलेआम दिख रहे हैं। ऐसे में क्या चंद्रचूड़ साहब हमें न्याय दे पाएंगे? 3 साल से तारीख पर तारीख हो रही है, एक गैर कानूनी सरकार चल रही है। एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टी को जिस तरह से तोड़ा है उनके सामने, ये भी गलत है। हमें न्याय नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री खुद महाराष्ट्र के गैर कानूनी सरकार में इंटरेस्ट ले रहे हैं बचाने के लिए, और न्याय देने का जिम्मा जिस न्यायाधीश जी के ऊपर है, उनके साथ उनका इस प्रकार का जो दोस्ताना और रिश्ता है, तो महाराष्ट्र के मन में कल एक शंका आ गई कि हमें न्याय मिलेगा, ऐसा लगता नहीं। इसलिए मुझे लगता है एक परंपरा है कि ऐसे केस में अगर कोई पार्टी होती है और वो न्यायाधीश महाराज जस्टिस का कोई रिलेशन दिखता है तो उस मुकदमे से अपने आप को अलग कर लेती है। तो चंद्रचूड़ साहब ने मुझे लगता है अपने आप को इस केस से अलग करना चाहिए।